सब त्योहारों का संबंध व्यक्ति से है। जिस दिन ये श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र पड़ता है उसको ओणम तिरुवोणम करके केरला में मनाते हैं। इस त्योहार का रहस्य यही है कि बलि चक्रवर्ती का स्थान ही केरला था, वहाँ सबको सुखी रखते थे। उनका ये अहंकार था कि जो कुछ भी मांगे तो मैं तो देना ही, मुझे कैसे मैं नहीं दूंगा, मेरे जैसे कोई दानी नहीं है, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, सोचने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो करुणावश भगवान ने वामना अवतार लेके आए, छोटा सा बालक आया तो मुझे 3 कदम जमीन दो। पूछे, छोटा सा बच्चा आता है, इसको 3 कदम जमीन क्या बड़ी बात है, मैं दे दूंगा। देने लगे तो उनके गुरु शुक्राचार्य बोले, अरे नहीं दो, ये मांग रहा है ये छोटा बालक, तुम्हें लगता है नहीं ये विष्णु। बलि चक्रवर्ती ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, बोले आप क्या कह रहे हो, अब तक जो मैंने किसी को ना नहीं कहा, अब ये छोटे बालक के लिए मैं ना कह दूं, अब क्या बोल रहे हैं हमको। तो आप वो कमंडल से पानी देने लगे तो शुक्राचार्य एक छोटे से भ्रमर के रूप में जाके उसके अंदर घुस गए। वामन भी इतने आसानी से मानने वाले, बोले कुछ लग गया अंदर, बोले अपना एक दूरवा लेके उसके अंदर कुछ अटक गया, मैं इसको ठीक करता हूँ, तुम्हारा तो मन ही है, मन है ही। तो उन्होंने अंदर दूरवा घुसाया, तो कहते तब शुक्राचार्य की एक आंख चली गई। तो पानी आया तो जैसे पानी गिरा वामन त्रिविक्रम बन गए, एक कदम में पूरा पृथ्वी नाप लिया, दूसरे कदम में आसमान नाप लिया और तीसरा कदम कहाँ रखें। तब बलि चक्रवर्ती को ये बात समझ में आ गई, मेरा अहंकार था, देने वाला तो एक ही है, अपने अहंकार रूपी सिर को भगवान के चरणों में रखा तो भगवान ने उस पर हाथ पांव रखे, उनको पाताल में भेजा। ये कहानी है ओणम मने वामन के आगमन और बलि का निर्गमन। तो बलि की कली को ज्ञानोदय हुआ, उसको लेके पूरे हफ्ते वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम सब मनाते हैं और ये आशा करते हैं जैसे बलि चक्रवर्ती के समय पर जो समृद्धि थी, हर तरह का सुख था समाज में, ऐसा हमें फिर प्राप्त हो, इसका उद्देश्य है।